नमस्कार, आपकी रसोई में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है बैंगन का भरता, वो भी मटर के साथ। इसके लिए हमने 200-500 ग्राम के करीब बैंगन लिए हैं। इनको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। बैंगन का भरता बनाने का यह एक नया तरीका है। ना तो हम बैंगन को भूनेंगे, ना ही फ्राई करेंगे। बैंगन का भरता बनाने के लिए हम सबसे पहले बैंगन का छिलका उतार लेंगे, क्योंकि भरते में छिलके का ना तो टेस्ट अच्छा लगता है, ना ही कलर लगता है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जैसे ही आप बैंगन को काट रहे हैं तो याद रखें कि इसको काफ़ी समय तक ऐसे ना छोड़ दें, क्योंकि इसका रंग काला पड़ जाएगा। जैसे ही बैंगन काटा, या तो इसको हम पानी में भिगो के रखेंगे, या तो जल्दी से काट के एक कुकर लेंगे और कुकर में थोड़ा सा नमक, हल्दी और सरसों का तेल डालकर एक बिसलाने तक पकाएंगे। दूसरी साइड हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, अच्छी तरह गर्म कर लें। उसमें जीरा, लहसुन, हरी मिर्च डालकर पकाएंगे और दो चॉप्ड किए हुए प्याज डालेंगे। प्याज में थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज अच्छे से पक जाए और जल्दी पके। गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को पकाएंगे। जैसे ही प्याज पक जाए, उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर डालेंगे। फिर उसके बाद चॉप किए हुए दो बिग साइज के टमाटर डालेंगे। अगर आपको लग रहा है कि तेल थोड़ा कम है तो उसमें एक या दो चम्मच पानी डालकर कम से कम 3 या 4 मिनट तक ढक कर पकाएं। करीब 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, इसमें अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, मसाला पक चुका है। अब इसमें हम हरे मटर डालेंगे। हरे मटर आप ऐसे भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा पकने में। या तो मटर को पहले उबाल लें और पका लें, फिर इसमें डालें, तो टाइम भी थोड़ा कम लगेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। जैसे ही मटर अच्छी तरह से पक जाएं, तो अब बॉयल किया हुआ बैंगन इसमें डालें, अच्छी तरह से मिलाएं, गरम मसाला डालें और कम से कम 3 या 4 मिनट तक ढककर पकाएं। 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे और अच्छी तरह मिलाते हुए कम से कम 1 मिनट तक और पकाएंगे। आप देख सकते हैं बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। ना तो हमने इसको भूना है, ना ही हमने फ्राई किया है। यह देखने में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। हरे धनिए और मक्खन के साथ इसको गार्निश करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।